हेलो गाइस वेलकम टू फोर सैलरी चैनल और इस हफ्ते में आपके साथ नया वीडियो ट्रेडर पर्सनालिटी के ऊपर लेकर आया हूं जिसमें हम स्कैल्पिंग इंट्राडे ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडिंग के बारे में बात करेंगे मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे कि हम कौन सी ट्रेडिंग करनी चाहिए कि हमें स्कैल्पिंग करनी चाहिए हमें इंट्राडे ट्रेडिंग करनी चाहिए स्विंग ट्रेडिंग करनी चाहिए हर एक तरह की ट्रेडिंग डिपेंड करती है कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है आप अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से ट्रेड करेंगे तो आप इस प्रोफेशन में बहुत जल्दी आगे बढ़ेंगे पर अगर अपनी पर्सनैलिटी के अपोजिट में ट्रेड करेंगे तो आप कहीं पर भी नहीं जाएंगे आप एक ही जगह पर रहेंगे आप एक कदम आगे बढ़ाएंगे दो कदम पीछे रखेंगे अगर इसमें एग्जांपल देना चाहूं कि जंगल में बहुत सभी तरह के जानवर होते हैं सबके अपना अपना टैलेंट होता है कोई किसी चीज में एक्सपर्ट होता है कोई किसी चीज में एक्सपर्ट होता है कोई कोई तैरना जानता है कोई दौड़ना दे जानता है तो सब अपनी अपनी फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं उसी तरीके से ट्रेडिंग में भी ये तीन तरह के जोन होते हैं स्कैल्पिंग इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग अगर हमें ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होना है तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हम किस तरह की ट्रेडिंग करते हैं क्या हमारी पर्सनैलिटी के बारे में आपको बताता हूँ कि स्कैल्पर सो द स्कैल्पर जो ट्रेडर होता है वो बहुत शोट टाइम फ्रेम में ट्रेडिंग करता है यानी कि वन मिनट पांच मिनट या पंद्रह मिनट के चार्ट को वो एनालाइज करते हैं और ट्रेड लेते हैं क्योंकि उनका मेन टारगेट होता है स्मॉल पिप्स वो बड़ी ज्यादा लंबी मूव्स को नहीं देखते हैं वो एक छोटी स्मॉल पिप्स को देखते हैं वन टू थ्री पेयर्स को आइडेंटिफाई करते हैं और उन्हीं पे फोकस करते हैं और उन दिन में कम से कम पांच से दस ट्रेड्स वो लेते हैं पर उन ट्रेड को फिर वो मॉनिटर करते हैं क्योंकि इस ट्रेडिंग के लिए आपको टाइम चाहिए जब आपका ट्रेड ओपन हो आपको ट्रेड को मॉनिटर करना होगा क्योंकि जब स्मॉल टाइम फ्रेम में आप ट्रेडिंग देखेंगे तो वो हाई वोलेटिलिटी होती है मार्केट मूव भी करती है तो अगर आपके अगेंस्ट जा रही है तो वो ट्रेड को क्लोज भी करते हैं तो इसीलिए यहाँ पर आपको टाइम चाहिए होगा आपको जम के बैठना होगा एक जगह पे जब तक आपका ट्रेड होगा क्योंकि आप हाई लेवरेज का इस्तेमाल करेंगे या हाई कैपिटल का इस्तेमाल करेंगे ठीक है ना ये एक एक्सपर्ट लेवल की ट्रेडिंग और यहाँ पर इमोशनल बहुत ज्यादा हाई होंगे पर ये रिस्क इतना ज्यादा नहीं लेते हैं हां मतलब कि अगर आपके अगेंस्ट पोजीशन जा रही है ट्रेड को क्लोज करेंगे और दूसरे ट्रेड में जाएंगे तो यहाँ पर मैं कहूंगा स्कल्पिंग इंटेंस तरह की ट्रेडिंग है बहुत ही एडवांस लेवल की मैं कहूंगा अगर आप बिगिनर हैं आप इससे स्टार्ट मत कीजिए हां बाद में आप इसको यूज कर सकते हैं दूसरी में आते हैं हम इंट्राडे ट्रेडिंग में इंट्राडे ट्रेडर जो होते हैं वो मिड टाइम फ्रेम में ट्रेड करते हैं पंद्रह मिनट वन आवर फोर आवर इन टाइम फ्रेम में ट्रेड करते हैं और सेटअप इन्हीं के टाइम पे लेते हैं डेली रेंज पिप्स में ये अपने टारगेट प्रॉफिट को उठाते हैं मोर देन फाइव पेयर्स इनको एनालाइज कर सकते हैं और एक से पांच ट्रेड दिन के ये अपने सेटअप के हिसाब से ट्रेड करते हैं इंट्राडे ट्रेडर इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसी दिन आपका ट्रेड ओपन होगा और उसी दिन ये आप ट्रेड क्लोज करेंगे ये एक दिन से दूसरे दिन आप कैरी नहीं करते हैं तो ये आपने अपना या तो आपका स्टॉप लॉस या टारगेट प्रॉफिट हिट हो जाएगा या आप इसको मैनुअली क्लोज करेंगे यहाँ पर स्ट्रेस लेवल जो होता है मॉडरेट होता है क्योंकि आप यहाँ पर आप इतना हाई लेवल की स्कैल्पिंग नहीं कर रहे हैं तो थोड़ा आप रिस्क को भी मॉडरेट ही रखते हैं पर आपको ट्रेड को मॉनिटर करना होता है क्योंकि आपका स्टॉप लॉस इतना बड़ा रेंज का नहीं होता है तो कोई हाई न्यूज आए या बिग इम्पैक्टिंग न्यूज आएगी तो आप अपने ट्रेड को प्रोटेक्ट कर सके तो इसलिए यहाँ पर आपको दो या तीन घंटे जब भी आप या तो यूरोपियन सेशन जब आपका बारह बजे के आसपास खुलता है इंडिया में या आप शाम के टाइम में सात या आठ बजे के आसपास जब यूएस टाइम खुलता है तो आप इस टाइम पे ये

चार से दस दिन तक जा भी सकता है तो मतलब कि आप जो ट्रेड रहेगा फोर टू टेन डेज आपका कंटिन्यू रहता है तो जब आपको ये तीन तरह के ट्रेडर पता चल गए कि ये तीन तरह के ट्रेडर होते हैं तो अगर आप बिगिनर हैं तो सबसे पहले मैं कहूंगा कि आप डेमो से स्टार्ट कीजिए डेमो ट्रेडिंग में आपको बेसिक चीजें पता होनी चाहिए बेसिक मतलब प्लेटफॉर्म का पता होना चाहिए जो कि एम या एम सॉफ्टवेयर होते हैं जो हर ब्रोकर आजकल प्रोवाइड करते हैं आप उसको कैसे चलाना है कैसे आपको ऑर्डर प्लेस करना है कैसे स्टॉप लॉस लगाना है प्रॉफिट लगाना है कैसे थिंग्स वर्स करती है मतलब कि बेसिक चीजें ये आपको पता होनी चाहिए पर आपको जब पता करना हो कि मेरी पर्सनैलिटी क्या है मैं ट्रेड कैसे करूं, कौन सा ट्रेडिंग मैं स्टूट करूं उसके लिए मैं यहाँ पर कुछ चीजों को कंसिडर करना चाहूंगा सबसे पहले तो आपको पता करना होगा कि आपका टाइम कितना दे सकते हैं आप अपनी ट्रेडिंग को अगर आपके पास बिल्कुल ही टाइम नहीं है केवल बहुत कम टाइम है आप जॉब करते हैं या आप स्टूडेंट है या बिजनेस है या कुछ और किसी काम में बिजी है आप ट्रेड नहीं कर सकते हैं, तो मैं कहूंगा आप स्विंग ट्रेडिंग से स्टार्ट कीजिए क्योंकि वहां पर आपको ज्यादा टाइम नहीं देना है आप सुबह या शाम के टाइम पर आप मार्केट को एनालाइज करेंगे डेली या फोर आवर के टाइम पे अगर आप ज्यादा टाइम दे सकते हैं दो से तीन या ज्यादा चार घंटे तो आप डेली इंटरडे ट्रेडिंग और अगर आप एडवांस लेवल पे जाना जाए फिर स्कैल्पिंग से कर सकते सबसे पहला फैक्टर जो है वो है टाइम फैक्टर दूसरा है कि आपकी पर्सनैलिटी किस तरह की कि आप इंटेंस हैं या रिलैक्स है आपको वॉलीबिलिटी पसंद है या आपको चीजें बिल्कुल डायरेक्शन में जा रही हैं और स्लोली जा रही हैं वो पसंद है अगर आप रिलैक्स स्लोनेस uh, uh, आप हाई इमोशनल नहीं है तो आप कहूंगा स्विंग ट्रेडिंग में जाइए नहीं तो फिर आप इंटरडेट ट्रेडिंग और स्कैल्पिंग में जा सकते हैं और तीसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है मैं कहूंगा आप रियल अकाउंट खोलिए क्योंकि मैंने डेमो तो बोला आपको कि डेमो से खोलिए पर डेमो से आपको केवल बेसिक चीजें पता चलेंगी पर जब आप उसमें ट्रेडिंग करेंगे जब रियल मनी इन्वॉल्व नहीं होगी तो आपके इमोशंस नहीं होंगे क्या होता है कि आपने डेमो खोल दिया वहां पर ट्रेड भी ले लिया आपने चार पांच दिन ट्रेड नहीं देखा वहां पे आ, कैपिटल भी इतनी बड़ी होती है जो रियल में नहीं लगती है तो कोई आप पांच छह दिन बाद आपने ट्रेड देखा वो प्रॉफिट में आप कहेंगे हम मैं तो जीनियस हूं मैं तो या अब रियल अकाउंट खोलता हूं बड़ा और आप और फिर रियल में आप आपका सारा पैसा डूब जाता है तो मैं कहूंगा रियल अकाउंट खोलिए वहां पे जितना कम से कम मिनी स्मॉल माइक्रो लोट ट्रेड कीजिए ठीक है ना जब वहां पर रियल मनी इन्वॉल्व होगी इमोशन ज्यादा होंगे तभी आपको पता चल पाएगा कि आपकी ट्रेडिंग पर्सनैलिटी क्या है और इसके लिए मैं आपको 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 एक एक ड्रिल दूंगा दूंगा एक्सरसाइज अगर आप करें तो आपको पता चल पाएगा कि आपकी पर्सनैलिटी टाइप क्या है आप किसी भी छोटे अमाउंट से रियल अकाउंट खोलिए और माइक्रो लॉट में ट्रेड कीजिए उसको ट्रेड ऐसे कीजिए कि मान लीजिए पहले दो हफ्ते आप स्कैल्पिंग कीजिए आपको वन टू थ्री पेयर्स आइडेंटिफाई कीजिए और मिनट 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 या वन में ट्रेडिंग करके देखिए छोटे छोटे माइक्रो लॉट लीजिए उसके बाद दूसरे दो हफ्ते में जाके आप इंट्रा ट्रेडिंग कीजिए वहां पर आप वन आवर फोर आवर के देखिए कुछ पांच से ज्यादा पेयर में देखिए और कोई सेटअप देखिए और लास्ट के दो हफ्ते में मैं कहूंगा कि आप स्विंग ट्रेडिंग ट्राई कीजिए वहां पर आप फोर और डेली आवर और दस से ज्यादा पेयर्स और ट्रेड को रन करने दीजिए तीन चार दिन और फील कीजिए देखिए आपको किस टाइप की ट्रेडिंग में ज्यादा बेटर लगा कौन सी टाइप की ट्रेडिंग से आप कंफर्टेबल हुए क्योंकि मैं आपको कुछ भी बता सकता हूं पर ये चीजें आपके अंदर से ही आएंगी कोई भी अगर आपको कुछ बताए कि ये ट्रेडिंग बेटर है ये बेकार है स्कैल्पिंग अच्छी है स्विंग ट्रेडिंग अच्छी है ऐसा कुछ नहीं है सभी ट्रेडिंग अच्छी है आपको पता होना चाहिए कि आपकी ट्रेडिंग पर्सनैलिटी के हिसाब से कैसी है मैं कहूंगा कि आप खुद ट्राई कीजिए जब तक आप खुद ट्राई नहीं करेंगे आपको खुद पता नहीं चलेगा दूसरों की बातें कभी मत सुनिए कि ये ट्रेडिंग अच्छी है ये बुरी है आप खुद ट्राई कीजिए और जब आप ये ड्रिल करेंगे एक्सरसाइज करेंगे आपको पता चलेगा कि हाँ मैं इससे कंफर्टेबल था और ये मेरी तरह की इस तरह की ट्रेडिंग है और मुझे इसी ट्रेडिंग में फिर आप उसमें प्रोग्रेस कीजिए फिर आप आगे उसमें और प्रैक्टिस कीजिए तभी आपको पता चलेगा और फिर आपके साथ ये एक सपोर्टिंग हैंड रहेगा और एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि ये मेरी आप पर्सनैलिटी के हिसाब से आप ट्रेड करेंगे नहीं तो आपके साथ यही होता रहेगा अगर आप पर्सनैलिटी के अगेंस्ट ट्रेड करेंगे आप एक ट्रेड प्रॉफिट में जा रहा है दो लूजिंग में जा रहे हैं मतलब एक कदम आगे जा रहे हैं और दो कदम पीछे जा रहे हैं तो आई होप की जो चीजें मैं आपको बताना चाह रहा था आपकी ड्रिल से या एक्सरसाइज से आप पता कर पाएंगे की आपकी पर्सनैलिटी टाइप क्या है अगर आपको ये वीडियो कुछ हेल्पफुल लगा और ये एक्सरसाइज से अगर आपको पता चल पाए आपकी पर्सनलिटी टाइप्स क्या है मुझे कमेंट में बताइए लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए तो अभी के लिए धन्यवाद थैंक यू और आगे मैं आपके साथ और भी ऐसे वीडियो शेयर करता रहूँ Goodbye.